दादा राम राम। राम राम। मेरा नाम शंभू चौहान है और मैं आसा सस्ता रतलाम से आया हूँ। जी सर। आप अपना परिचय देंगे? राम राम। मैं कोदर, मेरा नाम है और मैं लखिया में रहता हूँ, ग्राम लखिया में, और यहाँ का किसान हूँ मैं। कोदरबा, मैं इधर से निकल रहा था और मैंने देखा कि आप मटके वटके और ये लेके नीम की पत्ती वगैरह लेके बैठे हो, तो आप कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? इसमें भैया मैं नीम की पत्ती का घोल बनाने के लिए सामान सब इकट्ठा करा। दादा, ये नीम की पत्ती का घोल आप क्यों बना रहे हो? नीम की पत्ती का घोल इसलिए बना रहा हूँ, खेत में कीड़ों को रोकथाम के लिए, रोकने के लिए। दादा, ये नीम की पत्ती का घोल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, बताएंगे थोड़ा सा आप? सुबह भैया ये घोल बनाने के लिए नीम की पत्ती 10 किलो चाहिए। ये घोल बनाने के लिए एक खाली मटका चाहिए। या इस घोल बनाने के लिए 15 लीटर पानी चाहिए। दादा, आपने ये सामग्री तो बता दी, लेकिन ये घोल कैसे बनाते हैं, थोड़ा बताएंगे? शंभू भैया बिल्कुल बताऊंगा मैं कि इसका घोल कैसे बनाए। शंभू भैया ये 10 किलो पत्ती है, ये सबसे पहले इस मटके में डालते हैं। ये पत्ती डालने के बाद इसमें और क्या डालेंगे? शंभू भैया अपने ये 15 लीटर जो पानी लिया है बर्तन में, ये पानी इसमें 15 लीटर मिला देते हैं। दादा, इसमें पत्ती मिला दी, पानी मिला दिया, अब क्या करेंगे? शंभू भैया इस सब मिलाने के बाद इसको कपड़े से ढक के अच्छी जगह देख के 10-12 दिन के लिए एक तरफ रख देते हैं। दादा, इसको अपन 10 या 12 दिन के लिए क्यों रखते हैं? इसको 10-12 दिन के लिए इसलिए रखते हैं कि इसका पत्ती सड़ जाती है, इसका रंग पीला पड़ जाता है। दादा, ये 10-12 दिन बाद पत्तियां जब सड़ जाएगी, पानी हरा पीला हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे इसका? या इसको 10-12 दिन बाद अच्छा पानी पीला पड़ने के बाद एक बर्तन में इसको छान लेते हैं। छानने के बाद 100 लीटर पानी मिला के 1 एकड़ में छिड़काव कर देते हैं। दादा, इस नीम की पत्ती के घोल के क्या क्या लाभ है, थोड़ा बताएंगे आप? सुनो भैया इस दवाई से ऐसा होता है कि अपन छिड़कने में अच्छा रहता है, कोई खतरे की निशानी रहती है, बोलो ये दवाई अच्छी तरह से बन जाती है, कोई लागत नहीं लगती है। कोई दूसरा बाजार से खरीदते तो पैसा लगता है, या कोई पैसा नहीं लगता, अपने विधि से बना के अपनी खेती में छाट लेते हैं। इस दवाई से वातावरण का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, कोई खतरे की निशानी भी नहीं होती है, और छाटता उसको भी नुकसान नहीं होता है। दादा, आज आपने ये जो मेरे को विधि बताई घोल की, नीम के घोल की, इसकी बहुत अच्छी तकनीक है। इसके अलावा आपको आशा संस्था के माध्यम से आप अपने आसपास के किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश अपने आसपास के किसान हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि सब इसी तरह से दवा घर पे बनाए और अपने खेती में छिड़काव करें और कीड़ को नष्ट करें। दादा, आपने आज मेरे को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आशा संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी आपसे धन्यवाद।